हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी यूट्यूब शॉर्ट को सही तरीके से कैसे अपलोड किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियोस कैसे आप यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो को अपलोड करके वायरल कर सकते हैं और कैसे अपलोड किया जाता है, उसका सही तरीका क्या है, तो चलिए स्टार्ट होता है ये। सबसे पहले आपको यूट्यूब एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आपको ये जो प्लस का निशान है वहाँ क्लिक करना है। इसके बगल में शॉर्ट्स में क्लिक नहीं करना है क्योंकि शॉर्ट में ये शॉर्ट्स आते रहते हैं। इस पर निकले उसी के बगल में बीच में आपको प्लस का निशान में क्लिक करना है और जो क्रिएट अ शॉर्ट लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करें। गैलरी से सेलेक्ट करें। These are the top 15 medicines you cannot find in any pharmacy. Listen to the doctors. One. ये आपका वो वीडियो आ गया जो आपने अपनी गैलरी से उठाया था। फिर आपको डन में क्लिक कर देना है और ये प्रोसेसिंग चल रही है। याद रखिए ये एक मिनट से कम का होना चाहिए। एक मिनट से ज़्यादा का होगा तो ये शॉर्ट में नहीं जाएगा, ये लॉन्ग में चला जाएगा। तो आपको शॉर्ट रखना है और कोशिश करिए कि आप 20 सेकंड के अंदर का या 20 या 30 सेकंड तक। राइट में क्लिक टिक था वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप टेक्स्ट जो है आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ऊपर की ओर। जहाँ पर ए ए लिखा है वहाँ पर भी क्लिक करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जैसे कुछ भी फार्म जैसे मैंने फार्मेसी लिख दिया। एडवाइस जिस जिस चीज़ का वीडियो है वही आप टाइटल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख के यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है और इसको ऊपर के साइड या बीच में जहाँ भी आप चाहें नीचे भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी आपको मन। और इसका साइज़ अगर छोटा करना है तो आप इधर बगल में ये एरो है ऊपर नीचे करने वाला, इसको आप छोटा बड़ा फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने ये साइज़ रख दिया और डन पर क्लिक कर दिया। और आपको इधर भी रखें या इधर रखें, इधर रखें, लेफ़्ट राइट जहाँ भी आपको कम्फर्टेबल लगे आप वहाँ पर रखें। यहाँ पर रखने के बाद आप यहाँ से आप फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका अगर बहुत ही लाइट कलर आ रहा है तो आप डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से चेंज देखिए चेंज हो रहा है कलर, मैं चेंज कर रही हूँ। ये देखिए सारे ऑप्शंस यहीं पर हैं। या ब्लैक एंड वाइट चाहते तो ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, कलर चाहिए तो कलर, जैसा भी ये फिल्टर आपको करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर टिक पे आपको क्लिक कर देना है और ये थर्ड का ऑप्शन दिया है वॉइस ओवर का। अगर आपको इसकी वॉइस नहीं चाहिए, अपनी वॉइस चाहिए कि इसमें क्या बता रहा है, तो आप यहाँ से ये जो रेड रंग का राउंड सर्किल है वहाँ पर टिक करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ पर बगल में टिक जो है राइट में वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका ओवर वॉइस हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको पेंसिल का निशान है वहाँ पर क्लिक करके आप, ये प्रोसेसिंग चल रही है अभी, यहाँ पर जो भी आपको मूवमेंट चाहिए आप वो ले सकते हैं। यहाँ से ये सब सारे मूवमेंट है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये ले लिया, उस पर के बाद डन का क्लिक कर दिया, ठीक है बस। और यहाँ पर विजिबिलिटी में अनलिस्टेड रखना, अभी अपलोड नहीं करना है, और अपलोड पे आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए प्रोसेसिंग चल रही है।
और ये देखिए यहाँ पर राउंड से ब्लैक हो गया, मतलब अपलोड कंप्लीटेड हो गया। फिर आपको बैक आना है और ये जो YT स्टूडियो है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको ये कंटेंट, नीचे कंटेंट में जाना है, वीडियो है, शॉर्ट है, शॉर्ट में आप क्लिक करके जो आपने अपलोड किया वहाँ पर क्लिक करना है। इसके 3 डॉट में एडिट में क्लिक कर देना है, ठीक है, ये अब हो गया। फिर यहाँ पर आपको जो टाइटल लेना है वो लिखना है आपको, जैसे मैंने लिखा था फार्मेसी एडवाइस, ये लिखना है। और इसके बाद आप हैश करके जो भी आप टाइटल डालिए वो हमेशा शॉर्ट डालिए, उसके बगल में इसका हैश शॉर्ट्स लिखना है। और जिस चीज़ की आपने वीडियो बनाया है उस चीज़ को बारे में फार्मेसी लिख दिया, जो भी है वीडियो, 3 आप हैशटैग डाल सकते हैं, ऐसा करेंगे। और फिर आपको यही चीज़, और इसमें इमोजीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमोजीज़ है या एक और टाइटल डालना है तो करके क्लिक करके एक और कुछ भी आप जो भी रिलेटेड है उससे वीडियो से, तो फार्मा मेडिसिन ये मैंने 2 टाइटल डाल दिया। और बस उसके बाद अभी इस चीज़ को पूरा कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ पेस्ट करना है। और फिर यहाँ पर आपको हैशटैग लिखना है, जो भी हैशटैग है, हैशटैग आप 6-7 हैशटैग आप कोई मतलब उसी से रिलेटेड हैशटैग आप डाल दें। तो जैसे मैंने मेडिसिन्स 18,000, 1.5 मेडिका, मतलब जो भी वीडियो से रिलेटेड आपका हैशटैग है आप यहाँ पर डाल लीजिए, कम से कम 6-7 हो आप डाल सकते हैं। और फिर बैक आ जाना है। अब यहाँ पर रिलेटेड वीडियो, आपका कोई और वीडियो भी हो तो वहाँ पर रिलेटेड वीडियो लेके, जैसे यहाँ पर गया आपको कोई वीडियो अपना लेना हो तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके, ये देखिए उसका, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये इस पे देखिए आ गया ये वाला, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे क्लिक हो सकता है, आप ही का वीडियो रहेगा। फिर आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको टैग्स डालना है। टैग्स में सबसे पहला होगा शॉर्ट्स, और उसके बाद आपके वीडियो से रिलेटेड टैग्स होंगे, मेडिसिन, मेडिसिन डाल दिए, फार्मेसी सी है, कम से कम आप 6-7 आप अपने ही वीडियो का टैग डाल दिए। टैग एक तरह से कीवर्ड की तरह काम करता है, तो आप उसी से रिलेटेड टैग्स डाल दीजिए ताकि लोग अगर सर्च करें तो आपका वीडियो सामने आ जाए। और शॉर्ट रिमिक्सिंग पर क्लिक करेंगे तो अलाउ ओनली ऑडियो मिक्स, अलाउ वीडियो एंड सेलेक्ट करें, अलाउ वीडियो एंड रिमिक्सिंग। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आप जिस चीज़ पर आपका वीडियो है उसका कैटेगरी, हर कैटेगरी में अलग अलग, अरे एक ही कैटेगरी में, जैसे कि अब ये मेडिसिन से रिलेटेड है तो आप इसमें इसके रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो आप नॉन प्रोफाइल एनएक्टिव, ये आप न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में ही डाल दीजिए, मतलब जैसा का वीडियो, अगर आपका एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट, कॉमेडी है कॉमेडी, एजुकेशन है जो भी आपका जिससे रिलेटेड है वो आप डाल दीजिए टैग।
टैग में हैं। और आप अपना व्यूज में लाइक का शो करवाना चाहते हो ऑन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अनटिक रहने दें। फिर आपको बैक करना है, फिर आपका ये सारी चीज़ फिल हो गई है, फिर यहाँ सेव कर दें। सेव करने के बाद आप थोड़ा सा रुक जाएं और फिर कम से कम 10 मिनट बाद इसको पब्लिश कर दें। तुरंत पब्लिश ना करें इसको, तो आप जैसे 10 मिनट हो गया तो फिर आप यहाँ पर जाके एडिट में जाके यहाँ पर जाके ये पब्लिश का बटन दबाना है, फिर बैक करना है, फिर यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए पब्लिश हो गया आपका। ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है, उसको पब्लिश करना है, ऐसे वायरल भी होते हैं। और इसमें ये भी करना है कि अगर आपका जो मैंने पेंसिल के निशान पे आपको इमेज यूज़ किया था, वहाँ से आपका जो भी जिस इमेज को आपको दिखाना है जो बहुत अच्छा है, जिसमें लगता है कि क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। तो ऐसे में आपका इमेज हाईलाइट होती है और उस उसको थंबनेल को बोलते हैं, इसी को देख के लोग क्लिक करते हैं उस वीडियो पर। तो आपको थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है और टाइटल आप टाइटल भी शॉर्ट लिखेगा जो उससे वीडियो से रिलेटेड हो, तभी आपके वीडियोस पे क्लिक्स होते हैं और वायरल भी वैसे ही होता है। ये सब यूट्यूब करता है, यूट्यूब कुछ थोड़े जगह दिखाता है, फिर अगर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, लोगों को क्लिक हो रहे हैं, तो फिर वो और जगह फैलाता है। और अगर आपका वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं है, थंबनेल अच्छा नहीं है, तो थोड़े जगह दिखाने पर क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं करता है, फिर वो आपका धीमे धीमे डाउन होना शुरू कर। इसलिए थंबनेल और टाइटल मतलब ये जितनी भी फिल होता है वो फॉर्म को ठीक से फिल करना है, तभी आपका वीडियो चलता है और क्लिक्स आते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और वीडियोस वायरल हो जाते हैं। इसी टाइप का वीडियो, यूट्यूब का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।